बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अकॉर्डिंग टू समर सीज़न, बिकॉज चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ एलर्जीज़। तो मुझसे बार बार सवाल किया जा रहा था कि इनकी कोई केयर बता दूँ, या मतलब जो मेरे जानने वाले हैं या फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बता रही थी कि बच्चों को इस सीज़न में किस तरह से आपने मैनेज करना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूँ ताकि सब लोगों को ज़रा सी अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि ये जो समर होता है और उसमें ख़ास तौर पे जो रेनी सीज़न होता है ना, इसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरस जो होता है, वायरल इन्फेक्शन, ये बड़े कॉमन हो जाते हैं। क्योंकि इस मौसम में जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इनकी वजह से ही जर्म्स बढ़ते हैं, और जर्म्स की वजह से ही बच्चे जो हैं ज़रा उनकी वैसे इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनको बड़ी जल्दी ये जो सारे इन्फेक्शन हैं ये बड़ी जल्दी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ख़ारिश कर रहा है या उसको रेडनेस हो रही है ना, तो आपने देखना है कि सिर्फ वो सिंपली रेडनेस है, या उसमें कोई वाटरी फील्ड, कोई स्कार तो नहीं बन गया, कोई छाला टाइप तो नहीं बन गया, या वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, उसकी जो ख़ारिश है या जो छाले बन रहे हैं या दाने बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बन रहे। अगर बहुत कम बन रहे हैं तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। सबसे पहले आपने ये करना है कि कोई भी सोप, बेबी सोप जो आप यूज़ कर रहे हैं बच्चे के लिए, उससे बच्चे को ना शॉवर दे देना है। ठीक है, नहलाने के बाद आपने वो जो उसकी मतलब स्किन है जहाँ पे वो ख़ारिश कर रहा था, उसको देखना है कि अगर वो इजी फील कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा तो आपने उस पर ये जो मतलब बेबी लोशन है, मैं जॉनसन्स का यूज़ करती हूँ, तो आप जो भी यूज़ करते हैं कोई भी बेबी लोशन, आपने बच्चे को नहलाने के बाद ये लोशन अप्लाई कर देना है। इससे ये होगा कि अगर बच्चा उसके बाद रिलैक्स फील कर रहा है ना, तो वो एलर्जी आपको स्वेटिंग की वजह से, गर्मी लगने की वजह से, या बच्चे के कपड़े चेंज ना होने की वजह से हो सकती है। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, उसके लिए सिंपली आपने उसको शॉवर देके उसका लोशन जो है ये अप्लाई कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद भी आप देखें कि उसको रेडनेस वैसी ही है, या फिर वो ख़ारिश वगैरह कर रहा है, वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो जहाँ पे उसको रेडनेस हुई हो वहाँ पे ये देखें, ये मैं फॉसिलिक क्रीम रखती हूँ आपके पास, जो भी अवेलेबल हो, जो भी मेडिकेटेड क्रीम अवेलेबल हो एंटी एलर्जिक, तो आपने ये एंटीबायोटिक है, वैसे ये कॉमन एलर्जीज में यूज़ होती है, तो मैं ये रखती हूँ। ठीक है, ये बेस्ट क्रीम है, बच्चे को बड़ी जल्दी ये ना आराम आ जाता है, ये आप लोग देख लें तसल्ली से। ठीक है, मैं ये रखती हूँ, उसके बाद आप ये अप्लाई करके देख लें, और साथ में आप जो है उसको रिजिक्स सिरप जो है ये एंटी एलर्जिक होता है। ठीक है, अगर बच्चे की आंखों में पानी आना शुरू हो गया, बच्चे की नोज़ी से पानी आ रहा है, गले की खराश कर रहा है, बॉडी पे ख़ारिश कर रहा है, तो उसमें आपने ये करना है कि उसको रिजिक्स सिरप सुबह शाम हाफ चम्मच, अगर बच्चा लेस देन टू ईयर्स है तो हाफ स्पून सुबह और हाफ स्पून शाम, अगर मोर देन टू ईयर्स है तो वन स्पून सुबह और वन स्पून शाम, ये रिजिक्स सिरप उसको देखे आपने देखना है। ठीक है, ये एंटी एलर्जी का, इससे बच्चा बड़ी जल्दी इजी हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है, एलर्जी से उसको बड़ा सुकून आता है। ठीक है जी, ये तो हो गया एक कॉमन एलर्जी को आपने किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप ये देखें सेकंडली कि बच्चे में जो है, बच्चे की भूख ख़त्म हो गई है और उसमें उसे बुखार बहुत तेज़ हो रहा हो, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा हो, उसकी नाक चलना बहना शुरू हो गई हो, नाक से पानी आ रहा हो और तेज़ बुखार से बिल्कुल निढाल हो रहा हो, और उसके जो है एलर्जी ख़ारिश होना शुरू हो गई हो, और वो ख़ारिश ऐसी जो चेहरे पे, सीने पे, पेट पे, कमर पे, इन जगहों पे ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो चिकन पॉक्स है उसको। ठीक है, वो एक वायरस अटैक होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से वो अटैक होता है। तो उस वायरस को आपने क्या कर दिया कि सबसे पहले तो जाहिर है आप फ़ौरन से हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डेफिनेटली आप जाएंगे, लेकिन बच्चे को घर में किस तरह से मैनेज करना है, उसको आपने ठंडे पानी की पट्टियाँ दे देनी है। ठीक है, ठंडे पानी से उसकी बॉडी वॉश कर देनी है, लेकिन उसे वॉश करते हुए, उसे नहलाते हुए आपने साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना कि साबुन जो है वो स्किन को ड्राई कर देता है, और जो ड्राई स्किन होती है ना उसमें वो जो ख़ारिश होती है, जो इचिंग होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब उसके बुखार को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, अपने घर में कोई भी, ये हर जहाँ पे छोटे बच्चे हैं मैं समझती हूँ वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, ख़ासतौर पर ये जो बुखार की, दर्द की मेडिसिन है, एलर्जी की मेडिसिन है, ये ज़रूर घर में मौजूद होनी चाहिए। मोशन की मेडिसिन, डायरिया की, वो भी घर में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें मैं ये रिकमेंड करूँगी, ये इसका फॉर्मूला है पैरासीटामोल, नाम इसका डिस्प्रोल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यही सिरप लें, आपने ये फॉर्मूला देखना है इसका। ठीक है, आपने इसका ये सॉल्ट देखना है कि इसमें सॉल्ट क्या है, किस चीज़ से बना है, ये इसका सॉल्ट है वो पैरासीटामोल है। ठीक है, मैंने इस तरह के, मैं आपको दो सिरप दिखाती हूँ, मैंने दो सिरप घर में रखे हुए हैं, एक ये वाला है और सेकेंड वन इज़ दिस, ये देखें, इसका नाम है डिस्प्रोल, इसका नाम है पेड्रोल। ठीक है, अब ये पेड्रोल जो है इसका भी फॉर्मूला चेक करें, इसका फॉर्मूला भी सेम है पैरासीटामोल। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा रही हूँ, पैरासीटामोल विच इज़ मच इफेक्टिव इन पेन एंड फीवर, और इसका भी सेम फार्मूला है, यानी ये दो सिरप जो हैं इनके नेम डिफरेंट हैं, क्योंकि वो ब्रांड का नेम होता है, कंपनी का नेम होता है, लेकिन इनका फॉर्मूला सेम है। ठीक है, इस तरह का कोई भी सिरप आपने बच्चे को हर 6 घंटे के वक्फे से देना है घर में, अगर आप हैं, जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते। ठीक है,
कोई भी बुखार का सीरप, अगर आपका बच्चा बहुत तेज़ बुखार महसूस कर रहा है, साथ में उसकी चेहरे पे, गर्दन पे, बैक पे, बैली पे, चेस्ट पे जो है ख़ारिश हो रही है और ब्लिस्टर टाइप दाने बन रहे हैं और बच्चे की भूख ख़त्म हो गई है, बच्चा कुछ भी नहीं खा पी रहा है, ठीक है, तो ये वायरस अटैक का एक सिम्टम ये भी है कि बुखार बहुत तेज़ हो जाता है, खाना पीना बच्चा छोड़ देता है, समटाइम्स रनी नोज़ हो जाता है, आइज़ से पानी आना शुरू हो जाता है। उस सूरत में सबसे पहले आपने उसको ये बुखार का सिरप दे देना है, इससे उसको दर्द और फीवर जो है उन दोनों में रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने वैसे तो आपने अपने डॉक्टर से रिकमेंड ज़रूर कर लेना है, ठीक है, और अगर वो आपको ये चीज़ें रिकमेंड करे कि एक इसका बुखार का सिरप तो वो ये बेस्ट है। सेकेंडली वो आपको अगर उसने डायग्नोज कर लिया है कि बच्चे को चिकन पॉक्स है तो एक एंटीवायरल ज़रूर यूज़ करना होता है, और उसमें बेस्ट बेस्ट सिरप जो है वो ये है वायरोल, वायरोल, ठीक है, ये एंटीवायरस है सीरप, एंटीवायरल सीरप है, वायरोल ही इसका नेम है, ठीक है, ये बेस्ट सीरप है, ये ट्वाइस अ डे बच्चे को देना होता है अगर मतलब द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स और एनी टाइप ऑफ वायरस, ठीक है। साथ में जो ये होता है ना, एक बच्चा क्योंकि खाना पीना छोड़ गया है, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो डेफिनेटली हो जाएगी, तो उसको कवर करने के लिए आपने कोई भी एक सप्लीमेंट साथ यूज़ करवाना है। ये वाइटामिन ए का है, ओरा ए, ये एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो बच्चों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। साथ में एक कोई भी आप सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, अगर डॉक्टर ने खुद से नहीं लिख के दिया तो आपने खुद उसे कहना है कि कोई अच्छा सा सप्लीमेंट रिकमेंड करें ताकि बच्चे में किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो ना हो, ठीक है। थर्डली आपने क्या करना है, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैं अब आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये है कैलामाइन लोशन, ये देखिए, ये आपने सर गर्मियाँ शुरू होते ही घर में लेकर आ जाना है कैलामाइन, ठीक है, ये जो उर्दू में भी लिखा देख लें, कैलामाइन लोशन, ठीक है जी, ये कैलामाइन लोशन है, और ये हीट बर्न, सनबर्न और इंसेक्ट बाइट और वायरल अटैक और किसी तरह का भी मतलब इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इसको आपने कैसे यूज़ करना है, अगर आपने पानी के साथ सिंपली बॉडी को वॉश कर लेना है, सोप नहीं लगाना, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि जब आपको सवेर एलर्जी हो जाए तो साबुन नहीं लगाना, अपने पानी से बेशक बार बार धो लें बॉडी, लेकिन आपने साबुन नहीं लगाना, साबुन जो है वो ड्राई कर देगा स्किन को और उससे ज़्यादा इचिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो आपने क्या करना है कि बॉडी को जस्ट प्लेन वाटर से, ल्यूकवार्म वाटर हो तो वेल एंड गुड, ठंडा पानी अगर आप अच्छा लग रहा है तो आप ठंडे पानी से धोएं, तो उसके बाद जो है आपने जहाँ जहाँ पे रैश हुई हुई है, जहाँ जहाँ पे रेडनेस हुई हुई है, जहाँ जहाँ पे आपको ब्लिस्टर बना हुआ है, वहाँ आपने ये कैलामाइन लोशन अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको अप्लाई वैसे कहते हैं सिर्फ दाने की जगह पे, आपने जो कॉटन बड होती है ना उसके साथ इसको वो इसमें डिप करके जहाँ दाना है वहाँ पे लगाते जाएं। कॉटन बड अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो सिंपली कॉटन ले लें, थोड़ी सी कॉटन लेके उसके साथ जहाँ जहाँ पे दाना है, जहाँ जहाँ पे रैश है, सिर्फ उस जगह पे आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर इंसेक्ट बाइट हो जाए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा काट जाए, तो उस जगह पे भी ये बड़ा इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपको इंसेक्ट बाइट का हो जाए या अलाउ ना करे तो उस पर भी आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, और बच्चों में स्पेशली किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो और ये जो चिकन पॉक्स होता है उसमें ये बहुत इफेक्टिव लोशन है, उसका निशान नहीं बनने देगा, दाग नहीं बनने देगा और बड़ी जल्दी उसको रिकवर करने में हेल्पफुल होता है, और ये एक घर में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको सिंपली एलर्जी प्लस अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए मैंने आपको प्रॉपरली मैक्सिमम जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं और बहुत इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में रखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, और अगर मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।